तो नीतीश कुमार के जब जलसा नाकाम हो गया और वो उड़न कठोले में आया था, हम गाड़ी में आए। नीतीश कुमार उड़न कठोले से उड़कर आसमान पर चले गए और हम जमीन पर ही हैं, जमीन पर ही हैं। मेरे भाई मेरे बुजुर्गो, एक बात याद रखो, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी, ये दोनों की मोहब्बत बड़ी अटूट है, बहुत मजबूत है, कभी नहीं टूटेगी, याद रखना। और इसमें लैला को मुझे नहीं मालूम है, मगर बड़ी मोहब्बत है मोदी को नीतीश से साथ। और नीतीश भी रात में सोते नहीं है जब तक मोदी से बात नहीं जाती है। और किसी ने कहा कि जब तक नीतीश को रात में मोदी की आवाज में मित्रों की आवाज नहीं आती है, तो नीतीश मित्रों सुनकर सोते हैं और हम आयकर कुर्सी पर के सोते हैं। दोस्तों और दुश्मनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि खत्म करो इन जालिमों के इख्तदार को, खत्म करो इन लोगों को जो उन्हीं तौर पर हमारा वोट लेकर हमको नुकसान पहुंचाते आए हैं। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, मेरी सरकार माँ और बहनों, ये जावेद कांग्रेस का बोलता है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फिरका परस्त जमा है। जावेद आप बच्चे हैं सियासत में, बच्चों अपने तजुर्बे और उम्र के लिहाज से बात करना। सुनो जावेद, ये जो मेरे चेहरे पे दाढ़ी जो सफेद हुई है, मैं धूप में खड़े होकर इसको सफेद नहीं किया हूँ, मैंने जिंदगी की राह में नसीबो फराज को देखा है, मैंने जेल की सोबतें बर्दाश्त की है। और सुनो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी की सियासी जिंदगी कोई चमन में या कोई महल में चल कर मैं यहाँ तक नहीं। जब एक मरतबा गणेश का जुलूस जाता है, हरियाणा जाता है, उसमें से चंद चर प्रसन्नों ने हैदराबाद में वहां पर दुकानों को द्वार भर कर हमले किए। जब मैं जाकर मायना किया, चंद्राबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर था, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया और हैदराबाद की पत्थरगट्टी के रोड के ऊपर मुझे वहां की टास्क फोर्स की पुलिस ने घेर कर 15 मिनट तक पुलिस की लाठियां और पूछ पर बरसाई गई। मेरे सर के ऊपर 18 टांके लगे, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर मुझे लग से मार नहीं लगी। तो सुनो, मेरे जिंदगी का सियासी सफर कोई मैं किसी एक रईस खानदान के बाप का बेटा नहीं हूँ, मगर मेरे मरहूम वाले ने मुझे मेहनत करना सिखाया। और जब मेरे सर पर 19 टांके लगे, मेरे जिस्म पर लाठियां लगी, तो मेरे मरहूम वाले ने आकर मुझसे एक ही बात कही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि सियासी सफर तक जिंदा रखेगा जब तक मेरी जिंदगी मुझसे वफा करेगी। आप मुतमईन रहिए कि मैं सीमांचल को आता रहूंगा, तुम्हारी आवाज जो आप मोहब्बत मुझे दे रहे हैं, खुदा की कसम मैं इस मोहब्बत का मुस्तैक नहीं हूं। मैं 2000 किलोमीटर दूर से आता हूं और लोग बुजुर्ग लोग देख कर मुझे अपने बेटे की तरह मोहब्बत और शफकत से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि जाओ तुमको कामयाबी मिलेगी। तो दूर से हमारी माए हाथ मिलाकर कहती है कि तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। नौजवान जब मुझसे मुलाकात करते हैं तो गले से लगाकर कहते हैं कि सर भाई इंशाल्लाह आपकी बार आपको ईमान एमपी बनेगा। डूब चुका हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे आपके मोहब्बत का हक अदा कर सकूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है इंशाअल्लाह ताला उस जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरेगा। और मेरी नजर में फराइज के बाद ये भी कौम की खिदमत करना ये भी इबादत है, यही मुझे हशर के मैदान में और खबर में मुझे कामयाब और कामरान करेगा। मेरे ही दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी लड़ाई यही है, हम पूरे इखलास के साथ कोशिश कर रहे हैं।
हमारे पास हुकूमत नहीं है नीतीश की तरह, हमारे पास कांग्रेस की तरह वो मिशनरी नहीं है। यकीनन हम बेसहारा बेसहारा है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, मगर उन्होंने कांग्रेस में नीतीश ने और अख्तर उल ईमान में फर्क की है कि अख्तर उल ईमान अल्लाह की सात पर तवक्कल करके मुकाबला कर रहा है। अख्तर उल ईमान को पूरा भरोसा है कि हमको अल्लाह का न्याय करेगा। हमारे पास अल्लाह ने अख्तर उल ईमान की मवेशी को सबसे बड़ी दौलत दी, तो अल्लाह ने हमको बोलने का सलीका सिखाया, अल्लाह ने हमको जबान दी, अल्लाह ने हमको जज्बा किया, अल्लाह ने हमारी नियतों में खास किया और हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ है। हमारे दिल में नीतीश का नहीं है, मोदी का नहीं है, हम किसी मखलूक से डरने वाले नहीं है, हम सिर्फ खालिक से डरने वाले हैं। और इंशाअल्लाह जो लोग अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह उनको नामसायब हालात में भी उनको कामयाब और कामरान करेगा। नहीं मिली, यकीनन मैं इंसान हूं, मुझे तकलीफ है, मगर आज आपके सामने आपका एक बेटा, आपका एक भाई, आपका जो भी है, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपके सामने हाथ फैलाकर अपील कर रहा हूं कि सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए आपको एक आवाज की जरूरत है, जो अख्तर उल ईमान से बेहतर कोई आवाज आपकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने क्या किया सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए, 371 का मैंने पार्लियामेंट में बिल डाला। हाँ जिंदाबाद। वो ये था कि हिंदुस्तान के संविधान में इस बात की इजाजत है कि जो मुल्क में सबसे पिछड़ा इलाका, जहां पर बच्चे पैदा होकर मर जाते, जहां पर बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का सेंटर नहीं है, जहां के बच्चों की माए जब बच्चों को पैदा करती है तो उनके लिए गिजा का इंतजाम नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, जहां पर जिला है मगर जब फसल आती है तो उसका कीमत नहीं मिलती, जब सैलाब आता तो जमीन लाखों के एकड़ में कट जाती है, इसके लिए हिंदुस्तान के संविधान में 371 दफा के तहत इस बात की इजाजत दी कि उस इलाके के लिए एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। मैंने वो बिल पार्लियामेंट में पेश किया हूं और हमारी ये कोशिश होगी कि 371 का बिल रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल सीमांचल के लिए बनना जरूरी है। जब तक वो रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनता, सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। मेरे भाई, ये लड़ाई की शुरुआत है, सुन लो नीतीश, ये लड़ाई की शुरुआत है, ये लड़ाई अभी तो छोटी जंग है, बड़ी जंग नीतीश इंशाअल्लाह ताला तुमको बिहार का चीफ मिनिस्टर हटा कर अब तो तुम्हारा जो लैला मजनू की जोड़ी है, नहीं मालूम मोदी तुम्हारा लैला है या मजनू है, जो भी है वो लैला या मजनू को दिल्ली से हटाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला पटना तक आएंगे हम। सीमांचल की लड़ाई, सीमांचल की गरीबों की आवाज पहले दिल्ली जाएगी और दिल्ली से पटना की तरफ रुख करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और भटकाने की जरूरत नहीं है। ये जो कांग्रेस का जागीर है, ये बड़े बड़ी बातें करता है बेचारा, ये इल्जाम कांग्रेस के ऊपर, ये कांग्रेस के भी लोग, अरे मुझे एक बात बता दो कि पंजाब से तुम्हारा एक मिनिस्टर आया इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, उसका नाम सिद्धू था, सिद्धू तकरीर कर रहा है और मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है कि सदल्लाह। आप क्या करते हैं, समिति में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर अपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर से काम निकले कि सर ऐसा हो गया, दो मिनट खामोश हो जाओ, जावेद बेबस बैठा है, जावेद बेबस बैठा है, बेबस बैठा है। तो क्या आप किशनगंज की आवाम ऐसे बेबस को वोट देंगे जो मजाक के वक्त अपने पार्टी के लीडर की तकरीर को भी रोक नहीं सका? यही तो हमारी परेशानी रही
کہ کانگریس ہو یا جے ڈی یو ہو وہ ایسے ہی لوگوں کو کامیاب کر کے ہم پر مسلط کرتے ہیں جن میں بولنے کی طاقت نہیں, جن کے پاس اصول نہیں, جن کے پاس ڈر ہے اور اپنی سیٹ کی حفاظت کے لیے وہ مصلحت کے نام پر پچھلے 60 سال سے بزدلی کے مظاہرے کر رہے ہیں. اگر جابی اٹھ کر بول دیتا بند کر اذان کے بعد بولنا پڑے گا, مگر جانے کی اتنی ہمت نہیں ہے. وہ اصل الدین اویسی کہتے ہیں کہ ایک اکبر علی رام جی کا نام کیا ہوگا. سنو کانگریس والوں, سنو نتیش, جب ہم ایک ہی ہیں پارلیمنٹ میں تو 540 پر اللہ نے ہم کو بھاری رکھا. مودی کو اگر کسی سے تکلیف ہے تو راہل سے نہیں اویسی سے تکلیف ہے. شریعت کا خلاف بلایا تو کانگریس پارٹی نے مولانا مرحوم کو بولنے لے لیا. وہ عالم دین تھے مگر کس نے کھڑے ہو کر ٹرپل طلاق کی مخالفت کی؟ کس نے دلائل کے ساتھ ہندوستان کے سمویدھان کا حوالہ دے کر کہا کہ جھوٹ ہے, غلط ہے؟ اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو, 18 اپریل کو آپ تمام لوگ مل کر اکبر علی رام کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. میری ماں اور بہنیں, آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں میں کہ اکبر علی رام پتنگ چھاپ کے بٹن پر آپ بٹن دبا کر اس مرد مجاہد کو کامیاب کر دو. آپ کا بھائی ہے یا آپ کا بیٹا ہے, سیمانچل کی سرزمین کے لیے, خدا کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, سیمانچل میں آج تسلیم الدین نہیں ہے, سیمانچل میں آج مولانا نہیں ہے. آج آپ کو ایک آواز کی ضرورت ہے, ایک رہبر کی ضرورت ہے, ایک قائد کی ضرورت ہے. اختر الایمان آپ کا.